दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमाणी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। पूरे शरीर में मिर्गी जैसा दौरा पड़ने की बीमारी में अक्सर लोग भूत प्रेत और अंधश्रद्धा को ज्यादा महत्व दे देते हैं। पितृ पक्ष में सताने लगे इस भूत की बात के पीछे क्या मनोविज्ञान है, आइए इसी विषय पर बात करते हैं। करीब 28 साल की सुमीरा अपने 30 साल के पति आकाश के साथ मेरे कंसल्टिंग रूम में बैठी थी। सुमीरा के बारे में आकाश ने बोलना शुरू किया। डॉक्टर साहब, श्राद्ध के पहले दिन से ही सुमीरा में प्रेत का प्रवेश हो गया, वो ऐसा लग रहा है। तब से उसका शरीर अचानक अकड़ जाता है और वो गिर पड़ती है। हाथों की मुट्ठी एकदम फिट बंद हो जाती है, दांत भी जोरों से बंद हो जाते हैं, आंखें ऊपर चली जाती है, लगातार आंसू बहने लगते हैं। करीबन 1.5 से 2 घंटे ऐसी स्थिति रहती है, उसके बाद वो प्रेत की पकड़ से मुक्त हो पाती है। हम तो जानते ही थे कि ये भूत का चक्कर है, मगर मेरे करीबी दोस्तों ने मेडिकल सलाह लेने पर जोर दिया तो वो भी कर लिया। सुमीरा के सारे मेडिकल चेकअप रिपोर्ट्स आकाश ने मुझे दिखाए। न्यूरोलॉजिकली सुमीरा एकदम फिट थी, उसके ईईजी और ब्रेन एमआरआई रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। न्यूरोलॉजिस्ट ने सुमीरा को साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी थी और इसीलिए आकाश उसे लेकर मेरे पास मनोचिकित्सा के लिए आया था। डॉक्टर साहब, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। वैसे तो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब से ये दौरे पड़ने शुरू हुए हैं मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मुझे हमेशा वीकनेस महसूस होती है, कई बार ठीक से नींद नहीं आती। पहले तो ये दौरा 2-3 दिन में एक बार पड़ता था, अब तो मानो हर रोज की बात है। दौरा पड़ता है तो घर के सारे लोग मेरे आसपास आ जाते हैं। मुझे बेचैनी और घबराहट होने लगती है, किसी ने सीने पर बोझ रख दिया हो ऐसा लगने लगता है, और आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। यकीनन आकाश के परिवार के ही किसी पितृ की आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश करती होगी। दोस्तों, सुमीरा के अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी बातें दबी थी जिसकी वजह से ये कन्वर्जन डिसऑर्डर उसे हुआ था। कन्वर्जन डिसऑर्डर का दूसरा नाम बहुत जाना माना है, हिस्टीरिया। हाँ, ये एपिलेप्सी की फीट से एकदम अलग है। सुमीरा के साइकोथेरेपी सेशंस के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने को मिली। उनकी शादी के एक ही साल में घर परिवार और आकाश की तरफ से बच्चा लाने के लिए प्रेशर शुरू हो गया था। दूसरा प्रेशर ये था कि लड़का ही होना चाहिए। सुमीरा को डबल टेंशन था कि अपने ससुराल वालों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाई तो। ये सोशल फियर और स्ट्रेस धीरे धीरे फीट में कन्वर्ट होते गए। शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं होने की वजह से ये समस्या और गंभीर बनती गई। गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक सुमीरा एकदम नॉर्मल थी। दूसरी ओर आकाश भी स्वस्थ था, मगर स्ट्रेस की वजह से बच्चा कंसीव करने में मुसीबतें आ रही थी। खुद को शारीरिक समस्या है ऐसा साबित करने की इच्छा की वजह से अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी सुमीरा में बढ़ गया था। ये कन्वर्जन डिसऑर्डर होने का मुख्य कारण था। सुमीरा को साइकोथेरेपी दी गई। मनोचिकित्सा द्वारा सुमीरा के अनकॉन्शियस माइंड में से सोशल भय और स्ट्रेस दोनों को दूर किया गया। धीरे धीरे फीट आना बिल्कुल बंद हो गया। आकाश के पूरे परिवार का भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किया गया और सुमीरा की ट्रीटमेंट के पूरा होने तक बेटा लाने का स्ट्रेस भी चला गया। मानसिक तनाव शरीर पर कई प्रकार की नेगेटिव इफेक्ट्स करता है। अगर उसे सही तरीके से समझें और शारीरिक प्रॉब्लम की जड़ में दबी मानसिक समस्या को पहचानें तो भूत जैसी अंधश्रद्धा से मुक्त हो सकते हैं। बेटा पाने की अनकॉन्शियस डिजायर से पैदा हुए भूत के प्रॉब्लम से सुमीरा मुक्त हुई। दोस्तों, अंधश्रद्धा अज्ञान के खड्डे में डालती है, जबकि श्रद्धा आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचाती है। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमाणी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमाणी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।